नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिप्टो टेनेट चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ न्यूज़ कवर करने वाला हूं, जो कि बेबी डॉस से रिलेटेड है, बिटकॉइन से रिलेटेड है एंड LUNC यानी लूना से रिलेटेड अपडेट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेबी डॉज स्वैप पे। आप देख सकते हैं इसके ट्विटर हैंडल पर मैं हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बेबी डॉज की लिस्टिंग हुई है बिंग एक्स पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ट्वीट किया है कि बेबी डॉस ट्रेडिंग इज लाइव ऑन बिग एक्स स्पॉट बेबी डॉस क्वाइन अनाउंसमेंट। तो इन्होंने जो है कि ये एक लिस्टिंग हो चुकी है बेबी डॉज की, तो ये अच्छी बात है बेबी डॉज के लिए। तो बेबी डॉज की अगर प्राइस में भी देखें तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट दिखता हुआ दिख रहा है। 2.5% के करीब ये अप है इस समय, आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा लिस्टिंग नहीं है बेबी डॉज के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी लिस्टिंग होती रहे तो आगे चल के जब बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा पंप देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। बिटकॉइन प्राइस से रिलेटेड अगर हम देखें यहाँ पे, तो इनकी भी एक तरीके से एक ZEDX इज लाइव ऑन बिटकॉइन चेन, जो ZEDX करके इनका ट्रेडिंग बिगिन सोन, यानी एक और लिस्टिंग हुई है इनकी ZEDX पे बिटकॉइन की। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बिटकॉइन के लिए भी कि लिस्टिंग भी होती जा रही है किसी न किसी एक्सचेंज पे। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और पार्टनरशिप हुई है मिसेस के साथ में, यानी पार्टनरशिप एंड मिसेस इंटीग्रेशन बिटकॉइन चेन। ये क्या है, मिसेस इज अ डेडिकेटेड टू बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेब थ्री विद इट्स मेन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मिसेस चेन, मिस्ड आईडी, मिसेस ब्राउज, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, NFT। तो ये पूरी की पूरी वेब थ्री पे जो है कि इनका बेस्ड मिसेस करके इनका जो पार्टनरशिप किए हैं इनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए अच्छी चीज़ है कि इन्होंने वेब थ्री में भी कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसके साथ वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आगे चल के काफ़ी अच्छा वेव थ्री में बूम आने वाला है, तो इसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखेगा बिटकॉइन को। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने एक और ट्वीट किया, गेस द डेट ऑफ पे प्राइस लॉन्च एंड विन $10। तो यहाँ पे जो है कि इन्होंने कुछ वोटिंग कराई थी कि आपको क्या है इसमें वोट करिए, 10 दिसंबर को होगा, टुमारो होगा, 15 दिसंबर होगा। तो इनका कुछ करके वोटिंग था कि इनका पे प्राइस कब लॉन्च होगा, तो लोगों ने ज़्यादातर अगर आप देखें तो 10 दिसंबर को वोट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें लूना के बारे में, देखिए अभी मैं वॉच गुरु के ट्विटर हैंडल पर, यहाँ पे अगर आप एक न्यूज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है फेडरल प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन सम बैकमैन फ्राइट एंड अल्मीडा रिसर्च फॉर मार्केट मैनिपुलेशन दैट लीड टू द कोलैप्स ऑफ लूना एंड USD। यानी जो लूना और USD कोलैप्स हुए थे उसका ना बहुत एक कहते हैं ना फुल प्रूफ रीज़न नहीं समझ में आया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया लूना और USD की साथ में कि इतना ज़्यादा कोलैप्स हो गया, इतना ज़्यादा डाउन हो गया। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही है सैम बैकमैन के साथ में, अल्मीडा रिसर्च के साथ, क्या चल रहा है। अगर इन्होंने कुछ मैनिपुलेशन किया था उस टाइम पे जिस वजह से लूना और USD डाउन हुआ, तो उसमें कुछ ना कुछ निकल के आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है लूना और USD के लिए कि कहीं ना कहीं जो है कि इन्वेस्टिगेशन सही वे में चल रही है। FTX हायर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ट्रैक बिलियंस ऑफ डॉलर दैट वेंट मिसिंग। FTX हायर किया फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारा जो है कि डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर वो मिसिंग है, वो क्यों है, वो उसका ये सब जो है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे। और यहाँ पे बैंक ऑफ स्पेन अनाउंस प्लान्स टू लॉन्च एक्सपेरिमेंटल CBDC प्रोग्राम, यानी ज़्यादातर लोग अब ब्लॉकचेन पे अपनी CBDC को जो है कि लाने की तैयारी कर चुके हैं। सारे देश अगर CBDC ला देते हैं तो क्या होगा इस जो है कि क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी जो है सारी चीज़ें, तो ये क्या बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बंद होगा, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी का एक अलग यूज़ है और CBDC का एक अलग यूज़ है। तो यही कुछ अपडेट थी दोस्तों मार्केट से रिलेटेड, जो आपको देना बहुत ज़रूरी था, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।